अजमेर सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन बंदी मनीष मीणा की तलाशी के दौरान उसके पास से 5 ग्राम चरस बरामद होने पर एक बार फिर जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। इस संबंध में जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मनीष मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हनुमाना राम विश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल अधीक्षक ने जेल प्रहरी जसबीर सिंह के जरिए 28 मई को एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि तलाशी के दौरान विचाराधीन बंदी मनीष के पास 5 ग्राम चरस बरामद हुई। इस प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी मनीष को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। आखिर जेल में चरस उसके पास कैसे पहुंची? 28 तारीख को जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब की तरफ से जेल प्रहरी जगवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया कि जेल में विचाराधीन बंदी मनीष की तलाशी रघुवीर प्रसाद मुख्य प्रहरी ली तो उसकी जेब से 5 ग्राम चरस मिली, जिस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसको प्रोडक्शन वारंट से लिया जाएगा और मामले में जांच की जाएगी। इस मामले में कोई और भी आरोपी? हाँ, कहाँ से लाया इसके बारे में जांच की जाएगी। क्रिश्चियनगंज थाना अंतर्गत बीती रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर हजारों की नकदी सहित आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक की शिकायत पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुष्कर रोड स्थित हरिभा उपाध्याय नगर निवासी बाबूलाल शर्मा ने बताया कि 29 मई को अपने दोहिते की शादी में परिवार सहित जयपुर गए हुए थे और घर की देखभाल के लिए कॉलोनी के चौकीदार को बताया था। उसी रात करीब 4:30 बजे चौकीदार ने फोन पर मकान में चोरी की सूचना दी। चोरी की सूचना मिलने पर जब घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ था और पूरा सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा था। अंदर रखी 4 अलमारियों से चोरों ने नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए थे। अजमेर आके मैंने ये देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था और जो अंदर हमारे 2 कमरे हैं उनमें 4 अलमारे थे, तो 4 अलमारे टूटे हुए थे। जो हमने सारा सामान देखा 500 ग्राम से ऊपर है और भी उसमें 1-2 कुछ ऐसे सामान हैं जैसे छोटी अपने सोने की लौंग हैं क्या है, तो अंदाजे से भी अप्रोक्सीमेटली किया है कि 30,000 से 35,000 के अंदर हमारा नुकसान आता है।